कानून की तरफ से भी साहिब एजाज का एजाज किया जा रहा है। मैं हमारे सबसे दरखास्त करता हूँ कि अपने हाथों से उनका एजाज करें। और एहतराम के साथ
आदारे की जानी से शुक्रिया मैडम। आइए अब आपके सामने एक ऐसा तोहफा पेश किया जा रहा है, एक ऐसे इंसान का इस्तकबाल किया जा रहा है, ऐसी शख्सियत को शख्सियत का इस्तकबाल किया जा रहा है जो जानिमिया सर के बाद जो खिदमत जानिमिया सर अंजाम दे रहे थे सुपरवाइजर की, तो अंदर जो सुपरवाइजर रहने वाले हैं हम उनका इस्तकबाल अदारे की जानिब से कर रहे हैं और सुपरवाइजर में इंशाल्लाह फखरुद्दीन सर सुपरवाइजर रहेंगे, उनका इस्तकबाल हम रानी सर के आदर से करना चाहते हैं। हमारे दरमियान कलम सर और डिप्टी सर मौजूद है, मैं राही सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में ये मुद्दे पेश करें और उनका इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। डिप्टी सर और कलम सर का इस्तकबाल होता है मोहतरम राही सर के तरफ से। डिप्टी सर और कलम सर से दरख्वास्त के सामने तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं आवाज देता हूँ कुरानपुरी उमैरा मजर को कि वह अपने तासुरात बयान करे। कुरानपुरी उमैरा सारे आलम में शोर मचाए। अभी एसएससी के इम्तिहान के लिए सिर्फ
वजह है। अगर हम इन दिनों का उम्दा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। लिहाजा हम मेहनत व लगन से अपने इम्तहान की तैयारी करेंगे ताकि हमारी मेहनत की वजह से हमारे खानदान का, हमारे स्कूल का, हमारे वालिदैन का, हमारे असातिज़ा का और साथ ही साथ हमारा नाम रोशन हो। मैं फिर से आप सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपनी मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो ताकि हर दिल से यही आवाज़ बुलंद हो के समंदर की गहराई में सूरज उगा के दे, समंदर की गहराई में सूरज उगा के दे, किसी लम्हे तिश्ना को पानी पिला के दे। निकलेंगे तेरे घर से भी खुशबू के काफिले, निकलेंगे तेरे घर से भी खुशबू के काफिले, आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा के दे। खुदा हाफिज़। तानिश का आवाज देता हूँ कि अपने तस्वीरें तैयार करें। तानिश का आवाज देता है कि वह अपने तैयार करें और तालीम।